आपने कभी सोचा है कि 5 रुपए का नोट कितना कीमती होगा? 5 रुपए के नोट से अगर कोई सामान खरीदने जाओ तो आपको 5 रुपए का ही सामान मिलेगा, उससे ज्यादा का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन इसी 5 के नोट को लेकर एक अनोखा दावा किया जा रहा है। दावा है कि 5 के नोट से 5 लाख रुपए मिल सकते हैं। दावे और सच की पड़ताल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या 5 रुपए का नोट आपको लखपति बना देगा? क्या 5 रुपए का नोट 5 लाख रुपए दिला देगा? क्या 2000 से ज्यादा कीमती है 5 रुपए का नोट? आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि 5 रुपए के नोट का क्या जादू? इस नोट में आखिर ऐसी कौन सी खासियत है जो 500 और 2000 के नोट में नहीं? सोशल मीडिया पर 5 रुपए के एक नोट को लेकर एक मैसेज वायरल किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 5 रुपए का ये नोट आपकी किस्मत बदल सकता है, आपको घर बैठे लखपति बना सकता है। 5 रुपए का ये नोट 5 रुपए का नहीं, आपको 5 लाख दिला सकता है। दावा है कि जब तक ये आपके पास है तब तक इसकी कीमत 5 रुपए, जैसे ही ये सरकार के पास जाएगा 5 लाख का हो जाएगा। वायरल मैसेज में लिखा है, अगर आपके पास 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है तो उसे आप सरकार को दे दीजिए, सरकार इस ट्रैक्टर वाले नोट के बदले 5 लाख रुपए देगी। 5 रुपए का नोट किसी की भी जेब में हो सकता है, हमारे, आपके या किसी के पर्स में भी हो सकता है। लिहाजा हमने ये सवाल कुछ लोगों के सामने रखा, उनसे पूछा कि आपके पास 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट है, और अगर है तो क्या उन्हें मालूम है कि सोशल मीडिया पर उसकी कीमत अब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जवाब क्या मिला पहले वो सुनिए। शायद है, कंफर्म नहीं है। देखा भी है, मुझे लग रहा है, और मेरे पास बहुत पुराने रखे हैं, मतलब देखना पड़ेगा। मेरे पास तो अभी तक ऐसा कुछ मैसेज आया नहीं है, ना सोशल साइट पे ना व्हाट्सएप पे, सो आई डोंट हैव। जब तक मेरे पास आएगा नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरे को नहीं लगता भी ऐसा होगा। अगर आप दे रहे हो तो दो। कौन देगा 5 लाख रुपए? अगर देना तो दे दो, ऐसे नोट तो बथेरे घूमते हैं मार्केट में। सिक्के पे तो सुना है, नोट पे तो नहीं पता, बाकी मुझे तो नहीं मिला कभी। 5 का नहीं सुना है मैंने। सुना है वहाँ ट्रैक्टर और उसका कुछ सब रूमर है, हमें तो कुछ इसमें यकीन नहीं है बिल्कुल भी, सच में। लोग क्या सोचते हैं वो तो आपने सुन ली, लेकिन इसके साथ ही कई और सवाल वायरल मैसेज को लेकर उठे। सवाल ये कि क्या सचमुच सरकार ने 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट को लेकर कोई नियम बनाया है? RBI 5 रुपए के इन नोट को वापस क्यों लेना चाहता है? जिसके पास ऐसा नोट है क्या उसे वाकई में 5 लाख रुपए मिलेंगे? और अगर किसी के पास ट्रैक्टर वाले 5 रुपए के नोट काफी मात्रा में हुए तो क्या वो करोड़पति बन जाएगा? 5 लाख रुपए कमाने के लिए कई लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। एक साथ इतने नोट गिनने और उन्हें अपने पास रखने की बहुत लोगों की ख्वाहिश पूरी ही नहीं हो पाती। लिहाजा 5 रुपए के नोट को लेकर किया जा रहा ये दावा बेहद चौंकाने वाला है। शहर से लेकर गांव हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि ये सच है या झूठ। क्योंकि RBI की तरफ से जारी 5 रुपए के नोट की 2 ही सीरीज मार्केट में है, और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ये ट्रैक्टर वाला नोट है। अगर आपके पास 5 रुपए का नोट है तो आप मालामाल हो सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर काफी वायरल हो रही है, और उसमें ये दावा किया जा रहा है कि अगर आपके पास 5 रुपए का नोट है तो आप उसके बदले 5 लाख रुपए पा सकते हैं। अब इस खबर की सच्चाई कितनी है, इसमें हकीकत कितनी है, ये हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर जिस 5 रुपए के नोट की बात की जा रही है वो कौन सा नोट है। क्योंकि 5 रुपए के 2 तरह के नोट हैं जिसमें 2 अलग अलग प्रिंट होते हैं। हमारे पास इस वक्त वो दोनों ही मौजूद है नोट, तो आइए एक बार जरा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो नोट। ये देखिए मेरे पास ये नोट है, जिस नोट के जरिए दावा किया जा रहा है कि अगर आपके पास ये नोट है तो आप मालामाल हो सकते हैं, 5 लाख रुपए आप एक 5 रुपए के नोट के जरिए ले सकते हैं। तो ये वो नोट है जिसके जरिए कहा जा रहा है। लेकिन ये और जो दूसरा नोट जिसकी हम बात कर रहे थे, इसमें फर्क क्या है उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। मेरे पास जो इस वक्त सिस्टम है, आप इसकी स्क्रीन पर एक 5 का नोट देख रहे हैं, और ये वो नोट है जो इससे बिल्कुल अलग है। आखिर ये अलग कैसे है इस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए
इन दोनों नोट पर अगर हम गौर करेंगे तो ये और ये बहुत अलग आपको दिखाई देगा। इस नोट में आपको एक ट्रैक्टर चलाता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है जो पीछे से इस खेत को जोत रहा है हल के जरिए, और इस नोट में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी कि ये वो नोट नहीं है जिसका दावा किया जा रहा है। इस नोट में आपको हिरन दिखाई देंगे, इसका बॉर्डर आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। अब इस पर आप नजर डालिए, इसकी इसका जो बॉर्डर है वो बिल्कुल डिफरेंट है, देखने में बिल्कुल अलग लग रहा है, लेकिन ये वो वाला नोट है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ये नोट है तो आप मालामाल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रैक्टर है। इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है इस नोट की वो यही कि ट्रैक्टर चलाता हुआ ये शख्स अगर आपके इस नोट में मौजूद है तो यानी कि आप इस नोट के जरिए मालामाल बन सकते हैं। वायरल मैसेज को लेकर हमारी पड़ताल जारी रही, लेकिन सच क्या है इसका जवाब अभी नहीं मिल सका। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और मैसेज दिखा। इस मैसेज में 200, 500 और 2000 के नोट दिख रहे हैं। साथ ही नीचे लिखा है 8 दिसंबर से खास तरीके के नए नोट बंद हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे, जल्दी से बैंक में जमा करा दें। गुजरात चुनाव में अपनी हार को देखते हुए मोदी सरकार के कहने पर आरबीआई ने यह फैसला किया है। 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट का जवाब हमें मिला नहीं था कि एक और सवाल खड़ा हो गया। पिछले साल प्रधानमंत्री ने देश हित में नोटबंदी का फैसला किया, इसके बाद 2000 और 500 के नए नोट चलाने की बात कही थी। तो अब ऐसा क्या हुआ कि गुजरात चुनाव को लेकर वो घबरा गए? इन दोनों ही सवालों का सच जानने के लिए हमने आरबीआई की गाइडलाइंस और उसके रूल्स खंगालने शुरू कर दी। हमें पड़ताल में ट्रैक्टर के 5 रुपए वाले नोट को लेकर और नए नोट के बंद होने को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दिया। हालांकि फिर भी सच की तलाश के लिए हमने आर्थिक मामलों के जानकार और आरबीआई के नियमों पर बारीकी से निगाह रखने वाले आकाश जिंदल से पूछताछ की। उनका क्या जवाब था वो सुनिए। ऐसी कोई भी गाइडलाइंस या सर्कुलर या ऑर्डर हमें आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सरकार की तरफ से नहीं आया है, तो इसलिए जो है मैं इसको जो है बिल्कुल भी सही नहीं मानता। शायद किसी ने अपनी तरफ से डाल दी चीज है, और लोगों को भी सलाह देना चाहता हूं, जब तक आरबीआई या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस कोई सर्कुलर ना हो, ऐसी बातों पे भ्रमित ना हो। नए नोट को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो भी चौंकाने वाला था, उसका सच क्या है वो भी सुन लीजिए। तलाश सबको ये है कि किसी भी नोट पे कुछ ना लिखा जाए, क्योंकि आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस साल आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि अगर किसी नोट पे कुछ लिखा हुआ है और कोई व्यक्ति वो बैंक लेके चला जाता है तो बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा एज सॉइल नोट। उसके अलावा कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि ये जो है कोई पर्टिकुलर डेट आ रही है जिसे नोट एक्सेप्ट होने बंद हो जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि मोदी सरकार न तो नए नोट बंद करने जा रही है और न ही 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के बदले 5 लाख रुपए देने जा रही है। हालांकि ये जरूर सामने आया कि कुछ लोगों को खास तरह के नोट रखने का शौक है, लिहाजा वो ऐसा कर सकते हैं। पुराने सिक्कों और नोटों को लेकर कुछ लोगों की दिलचस्पी अलग तरह की होती है और उन्हें पाने के लिए वो कोई भी रकम देने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग गिने चुने ही हैं, लिहाजा पड़ताल में वायरल मैसेज पूरी तरह से झूठा साबित हुआ।